हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क एजुकॉर्प। तो प्यारे बच्चों, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। तो टॉपिक का नाम है पाइप एंड सिस्टर्न्स, नल तथा टंकी। आई होप मेरी आवाज़ आप सभी को बहुत अच्छे से आ रही होगी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है और सुनाई दे रहा है। अगर ठीक है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। Give me just 1 minute. Okay guys, चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। टॉपिक है पाइप एंड सिस्टर्न्स। ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह है। जैसे टाइम एंड वर्क में आपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए, बिल्कुल उसी तरह से पाइप एंड सिस्टर्न पे भी क्वेश्चंस बनेंगे। सो गाइस, पहला क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। कंसेप्ट बिल्कुल वही है टाइम एंड वर्क, और उससे आप काफी फेमिलियर है, उस पर ऑलरेडी हम क्लासेस कर चुके हैं, तो कंसेप्ट वही रहेगा। तो पहले क्वेश्चन में कहा गया है, एक हौज की तली में एक छिद्र है। There is a leakage in the bottom of a tank. एक टंकी के तल में एक छेद है। On repairing the leakage, it takes 3 hours to fill the tank completely. टंकी इसे रिपेयर करने पे इसे 3.5 घंटे में भरा जा सकता है। ये यहाँ पे 3.5 hours है भाई। इसे अगर हम करेक्ट करें 3.5 है ये, 3.5 घंटे में भरा जाता है। अगर लीकेज रिपेयर कर दी जाए तो 3.5 घंटे में भरी जाती है, लेकिन अगर लीकेज के साथ टंकी को भरा जाए तो इसे भरने में 0.5 घंटा ज़्यादा लगता है। और अगर टंकी पूरी तरह से भरी हो, सिस्टम पूरी तरह से भरा हुआ है, तो लीकेज इसे कितनी देर में खाली कर देगी। ये क्वेश्चन पूछा गया है, एक बार इसे देखो। टाइम एंड वर्क पर ही ये बेस्ड है। ओके तो चलिए बच्चों, क्या कहता है क्वेश्चन? अब सब कुछ ठीक है, आंसर भी आ गया है 28। ओके, वेरी गुड। देखो क्वेश्चन में क्या कहा है, यहां पे ये टाइम एंड वर्क की तरह कैसे है, आप इसे समझो। टाइम एंड वर्क में ए और बी, जहां 2 आदमी होते थे वो एक काम को करते थे। यहां ए और बी को 2 टैप ने रिप्लेस कर दिया, 2 पाइप ने रिप्लेस कर दिया है, और काम को रिप्लेस कर दिया है टंकी की कैपेसिटी ने। टंकी को भरा जा रहा है। यहां पे जो थोड़ा सा माइन्यूट सा डिफरेंस है,
ए और बी जब टाइम एंड वर्क में हम काम करते थे तो वहां पे वो पॉजिटिव वर्कर्स होते थे, वो पॉजिटिव काम करते थे, बट इन केस ऑफ पाइप एंड सिस्टर्न नेगेटिविटी का कंसेप्ट आता है। लीकेज नेगेटिव टास्क परफॉर्म करेगा, दैट मींस भरने वाले पाइप टंकी को भरेंगे और लीकेज नेगेटिव काम करेगा उनकी, ठीक है। तो इसी पर बेस्ड ये क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन में कहा गया कि अगर लीकेज को रिपेयर कर दिया जाए तो एक पाइप है ए, टंकी को भरने में 3.5 घंटा लेता है, क्या हम 3.5 को 7/2 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। लेकिन अगर लीकेज के साथ काम किया जाए, अगर लीकेज रिपेयर हो गई तो 3.5 घंटे लगे, लेकिन अगर रिपेयर ना किया जाए तो 0.5 घंटा ज्यादा लगेगा, तो 3.5 में 0.5 जोड़ दे तो कितना टाइम लगेगा? 4 घंटे। बच्चों एलसीएम ले लो, एलसीएम हमेशा न्यूमरेटर का लेते तो एलसीएम कितना आ गया? 28। इसे मान लेते हैं हम कैपेसिटी ऑफ द टैंक, टंकी की ये कैपेसिटी हो गई। अगर आप 7/2 से डिवाइड करेंगे, बेटा 7 से डिवाइड किया 4 और 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8, ये आ गई इसकी एफिशिएंसी। और अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 4। बच्चों यहां पे एफिशिएंसी की बात करें लीटर पर यूनिट टाइम, क्योंकि टाइम यहां पर आर्स में दे रखा है तो लीटर पर आर आएगा, और अगर टाइम मिनट में देंगे तो एफिशिएंसी क्या हो जाएगी? लीटर पर मिनट हो जाएगी। अब देखो जब अकेला पाइप ए काम कर रहा है तो टंकी में 8 लीटर पानी जा रहा है, लेकिन लीकेज के साथ टंकी में 7 लीटर पानी जा रहा है, तो लॉस कितने लीटर का हो रहा है बच्चों? 1 लीटर का। ये किसकी वजह से हो रहा है? इस लीकेज की वजह से हो रहा है। तो भाई लीकेज जो कि नेगेटिव काम कर रही है बी, वो 1 घंटे में 1 लीटर पानी बाहर निकाल रही है, तो 28 लीटर पानी बाहर निकालने में उसे कितने घंटे लगेंगे? 28 आवर्स। ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। हाँ दीक्षा बिल्कुल सही है आपका आंसर, वेरी गुड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से देखो यहां पे अब ये क्लियर हो गया होगा, ये बिल्कुल टाइम एंड वर्क की तरह चलना है। आपको टाइम गिवन होगा तो एफिशिएंसी आप निकाल सकते हो। वहां पे आप टोटल वर्क लेते थे एलसीएम लेकर, यहां पर एलसीएम लेकर आप कैपेसिटी लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है ये क्वेश्चंस। बफरिंग हो रही है यहां से तो सब कुछ ठीक चल रहा है भाई। दीक्षा एक बार रिफ्रेश करो अपने वहां। हाँ और बच्चे बताइए कहीं कोई प्रॉब्लम है? साउंड मिसमैच हो रही है यहां तो आई थिंक सब कुछ ठीक है। एक बार मैं चेक कर लूं जरा। नहीं दीक्षा यहां पे सब कुछ ठीक है, यहां ठीक है, आपके वहां नेटवर्क में प्रॉब्लम है। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, नेक्स्ट वन। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस, बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस आज हम करने वाले हैं जो कि टेक्निकली साउंड होंगे, थोड़े ट्रिकी होंगे। क्वेश्चंस को जल्दी जल्दी से अटेम्प्ट करके आपको अपने आंसर्स देने हैं। क्वेश्चन पढ़ो जरा क्या कह रहा है। ए बॉय एंड ए गर्ल टुगेदर फिल ए सिस्टर्न, एक लड़का और एक लड़की मिलकर किसी हौज को भरते हैं। द बॉय पोर्स 4 लीटर वाटर इन एवरी 3 मिनट्स, लड़का हर 3 मिनट में 4 लीटर पानी भरता है। एंड द गर्ल पोर्स 3 लीटर वाटर इन एवरी 4 मिनट, और लड़की हर 4 मिनट में 3 लीटर पानी टंकी में भरती है, हौज में भरती है। इन हाउ मच टाइम कैन दे फिल 100 लीटर वाटर इन द सिस्टर्न, दोनों मिलकर हौज में 100 लीटर पानी कितनी देर में भर पाएंगे? ओके सुशांत ठीक है। तो क्वेश्चन में कहा गया है एक लड़का और एक लड़की दोनों मिलकर एक टंकी को भर रहे हैं, हौज को भर रहे हैं, टंकी को भर रहे हैं। लड़के की जो एफिशिएंसी दे रखी है वो दे रखी है 4 लीटर, बट कितने मिनट में? 3 मिनट में। और लड़की की जो एफिशिएंसी है वो हर 4 मिनट में 3 लीटर भरती है। तो पूछा गया 100 लीटर की अगर टंकी है तो उसे भरने में कितना टाइम लगेगा? सिंपल सा फंडा है बच्चों, बॉय एंड गर्ल, लड़के की बात की गई तो 4 लीटर पानी हर 3 मिनट में,
हर 3 मिनट में उसने 4 लीटर पानी भरा, ये मिनट हो गया और इसे मैंने बोल दिया लीटर। जब लड़की की बात की गई तो हर 4 मिनट में उसने 3 लीटर पानी भरा है। इस क्वेश्चन को करने का जो बेस्ट तरीका है ना, तो दोनों का टाइम बराबर कर लेना बच्चों। दोनों का टाइम बराबर करने के लिए क्या करोगे, देखो इसका 3 मिनट और इसका 4 मिनट, एलसीएम अगर ले तो 12 मिनट, इसे 12 बनाने के लिए 4 से तो इसे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, इसे 12 बनाने के लिए 3 से तो इसे भी 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो बच्चों 12 मिनट में लड़का 16 लीटर पानी भर रहा है और 12 मिनट में लड़की 9 लीटर पानी भर रही है। अब अगर दोनों एक साथ काम करेंगे तो 25 लीटर पानी भर जाएगा, लेकिन कितने मिनट में भर जाएगा, 12 मिनट में। बच्चों 25 लीटर पानी भरने में इन्हें 12 मिनट लगते हैं, तो दोनों मिलकर 1 लीटर पानी कितने मिनट में भर देंगे, 12/25। लेकिन क्वेश्चन में तो कहा गया 100 लीटर, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो भाई, 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितने मिनट लगेंगे, 48 मिनट। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हाँ सत्येंद्र, वेरी गुड, बहुत अच्छे, शाबाश, बिल्कुल सही है। तो प्यारे बच्चों क्लियर हो गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, नेक्स्ट वन। एक और अच्छा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, इस क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो, अगर कंसेप्ट समझ आ चुका है आपको, अगर बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर है तो इसे आप ऑरली कैलकुलेट कर सकते हो, थॉट प्रोसेस में इसे कैलकुलेट कर सकते हो। क्या कहता है क्वेश्चन, ड्यू टू ए लीकेज इन द बॉटम ऑफ द टैंक, एक टंकी के तल में एक लीकेज है, फ्लो ऑफ विच इज हाफ इन द प्रोपोर्शन टू द रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वॉटर थ्रू द पाइप, जिसकी वजह से, लीकेज की वजह से या लीकेज के द्वारा जो पाइप टंकी के अंदर पानी भर रहा था, जितना फ्लो उस पाइप का था उसका हाफ रेट ऑफ फ्लो उस लीकेज का है। अगर टंकी में पानी 2 लीटर आ रहा था तो लीकेज की वजह से 1 लीटर बाहर जा रहा है। इसका मतलब ये है, पाइप टेक्स 46 आवर्स मोर टू फिल द टैंक, लीकेज के साथ काम करते हुए टंकी को भरने में पाइप को 46 घंटे ज्यादा लग रही है, लीकेज की वजह से एक्स्ट्रा टाइम लग रहा है। देखो सिंपल सा फंडा, अगर लीकेज नहीं होती तो एक स्पेसिफिक टाइम लगता है टंकी को भरने में, लेकिन लीकेज हो गई तो ज्यादा टाइम लगेगा, और वो ज्यादा टाइम दे रखा कितना, 46 मिनट्स। कह रहा है कि अब पाइप 46 मिनट ज्यादा ले रहा है, 46 आवर्स 46 घंटे ज्यादा ले रहा है। इन हाउ मच टाइम कैन द पाइप फिल द टैंक कंप्लीटली, तो पाइप टंकी को पूरी तरह से कितनी देर में भर देगा। बहुत बढ़िया मिस सिंह, वेरी गुड, बहुत अच्छी। तो कहा गया कि जब पाइप अकेला चलेगा तो टंकी को कितनी देर में भर देगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। देखो इस क्वेश्चन को अगर थॉट प्रोसेस में करना चाहूं, आप खुद से समझो, मैं अगर आपसे कहूं कि आप किसी काम को 10 घंटे में करते हैं, सपोज मैं चाह रहा हूं कि आप बगैर पेपर पेन के क्वेश्चन को सॉल्व करें, दीक्षा वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगर आप किसी काम को 10 दिन में करते हैं, अगर आपकी एफिशिएंसी घटा के आधी कर दी जाए तो टाइम कितना लगेगा, 20 दिन लगेगा, डबल टाइम। अगर एफिशिएंसी हाफ हो रही है तो टाइम डबल हो जाएगा, एफिशिएंसी 1/3 हो रही है तो टाइम ट्रिपल हो जाएगा। हाँ प्रशांत, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, समझना बच्चों, अगर आप किसी काम को 10 दिन में कर रहे हो, आपकी एफिशिएंसी आधी कर दी जाए तो टाइम पीरियड डबल हो जाएगा। अगर आप पहले 10 दिन में कर रहे थे तो अब कितने दिन में करेंगे, 20 दिन में, तो टाइम कितना बढ़ा, 10 दिन बढ़ रहा है, यानी कि जितना टाइम आप पहले ले रहे थे उतना ही टाइम बढ़ गया। 10 दिन ले रहे थे तो 10 दिन बढ़ेगा। अगर मैं आपसे कहूं कि आप किसी काम को 20 दिन में करते हैं, एफिशिएंसी आधी कर दी जाए तो कितना टाइम बढ़ेगा, अगर मैं पूछूं कितना टाइम लगेगा तो 20 का डबल 40 लगेगा, और अगर मैं पूछूं कि कितना टाइम बढ़ेगा तो पहले 20 हो रहा था अब 40 हो रहा, तो बढ़ कितना गया, 20। तो आपने यहां पर ये एस्टिमेट कर लिया, ये कंक्लूड कर लिया कि नॉर्मली जितना टाइम लेते एफिशिएंसी आधी होने पर टाइम उतना ज्यादा लगता है, ऐसा हुआ। इसी तरह से बेटा, अगर पाइप के द्वारा 2 लीटर पानी आ रहा है, लीकेज के द्वारा 1 लीटर पानी बाहर चला गया, इसका मतलब एफिशिएंसी आधी हो गई।
जब एफिशिएंसी आधी हो गई तो उसे एक्स्ट्रा टाइम लग रहा कितना, 46 मिनट। इसका मतलब वो पहले भी 46 मिनट लेता था, अब 46 मिनट और बढ़ के उसे जो टोटल टाइम लगेगा वो 92 मिनट लगेगा। यहां पे आर्स दे रखा है तो मिनट नहीं आर्स आएगा। इज दैट क्लियर? ये थॉट प्रोसेस से क्वेश्चन बनने वाला है, इसमें पेपर पेन की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर है? यस और नो? चले आगे। अगर ये बात बिल्कुल क्लियर है तो अगला क्वेश्चन का आंसर मुझे आप सभी से चाहिए, बिल्कुल इसी पर बेस्ड है प्यारे बच्चों। नेक्स्ट वन लीजिए, एक बेहतरीन क्वेश्चन, देखते हैं आप कितने लोग इसका आंसर कर पाते हैं। मेक इट फास्ट गाइज। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है? ड्यू टू ए लीकेज इन द बॉटम ऑफ ए टैंक, एक टैंक के तल में लीकेज है जिसका बहाव 1/3 है, भरने वाले पाइप का 1/3 है, जिसकी वजह से अब पाइप 20 मिनट ज्यादा लेता है, टंकी को भरने में अब 20 मिनट ज्यादा लेता है। तो पूछा गया कि भरी हुई टंकी को जो लीकेज है वो कितने मिनट में खाली कर देगी, भरी हुई टंकी को लीकेज कितने मिनट में खाली कर देगी। बिल्कुल सेम उसी की कॉपी, जस्ट डिजिट चेंज किए गए हैं। इसका आंसर मुझे आप सभी से चाहिए, देखें कितना फास्ट आप रिप्लाई कर पाते। मेक इट फास्ट गाइज। यहां पर लास्ट क्वेश्चन में हाफ एफिशिएंसी हो रही थी, यहां पर लीकेज की वजह से 1/3 बाहर जा रहा है, लीकेज की वजह से 1/3। यहां पे क्वेश्चन को थोड़ा सा ट्विस्ट किया है, लिटल बिट। देखो अगर हम बात करें, पाइप भरने वाला ए है और खाली करने वाली लीकेज बी है। अगर भरने वाला पाइप 3 लीटर पानी भर रहा था तो खाली करने वाला नल या लीकेज उसका 1/3 पानी बाहर चला जाएगा। ओके, आंसर्स आने शुरू हो गए, वेरी गुड। बट अभी तक किसी का भी सही नहीं है। इस क्वेश्चन में पूछा है कि लीकेज टंकी को, भरी हुई टंकी को कितनी देर में खाली कर देगी। ध्यान से समझना, ट्विस्टेड क्वेश्चन है। लास्ट वाला तो हो तो ये भी जाएगा, ऑरली ही बनेगा। ओके चलिए, तुक्के मारना छोड़िए बच्चों, समझो एक गलत बताए तो दूसरा सही। ध्यान दो, अगर भरने वाला पाइप 3 लीटर पानी भर रहा है तो लीकेज 1 लीटर पानी खलाएगा। अब अगर दोनों एक साथ काम करें, लीकेज और पाइप दोनों एक साथ काम करें, तो एफिशिएंसी कितनी रहेगी? 2। भाई 3 लीटर पहले अंदर आ रहा था, 1 लीटर बाहर चला गया, तो अब अंदर कितना रह गया? 2 लीटर रह गया, नहीं रह गया? बच्चों ये तो हो गई एफिशिएंसी। अब अगर टाइम पीरियड की बात करें, टाइम पीरियड की बात करें तो उल्टा कर दो, 2 और ये कितना हो गया? 3। यानी कि जिसे भरने में पहले 2 मिनट लगते थे, अब लीकेज की वजह से कितने मिनट लगेंगे? 3 मिनट लगेंगे। तो बच्चों अब ये कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है? 1। कितना टाइम एक्स्ट्रा ले रहा है? 1। और क्वेश्चन में कितना है बच्चों? क्वेश्चन में कितना है? 20 मिनट। क्वेश्चन में कितना है? 20 मिनट। एक पार्ट की वैल्यू 20 है तो दो पार्ट की वैल्यू कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों? 40 मिनट। कितनी आ जाएगी? 40 मिनट। ये आपने टिक किया है 40 मिनट। ओके मिसिंग, वेरी गुड। लेकिन ये जो 40 मिनट है ना, ये पाइप भरने में इतना टाइम लेगा, पाइप भरने में इतना टाइम ले रहा 40 मिनट, जबकि जो रिसाव है वो तो 1/3 पार्ट बाहर लेके जा रहा है। अगर मैं इनकी बात करूं, भरने वाले पाइप और लीकेज की बात करूं, तो बच्चों इनके बीच में रेशो क्या रहेगा? टाइम का रेशो। भरने वाले पाइप और लीकेज के बीच में रेशो क्या रहेगा? 1:3। यानी जितना टाइम भरने वाला नल लेगा उसका 3 गुना लीकेज खाली करने में टाइम लेगी। अगर भरने वाला नल 40 मिनट में भर रहा है तो लीकेज इसे 120 मिनट में खाली करेगी, लीकेज इसे 120 मिनट में खाली करेगी। प्रशांत वेरी गुड, बहुत अच्छी, शाबाश। बात कुछ समझ आई? यहां पे ये नहीं पूछा गया कि टंकी को कितनी देर में भरा जाएगा, यहां पे पूछा गया है कि जो खाली करने वाली लीकेज है वो टंकी को कितने समय में खाली कर पाएगी। आई होप ये सभी को क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ओके बच्चों, नेक्स्ट वन लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? बोला गया है There are 2 pipes fitted in a tank. एक टंकी में 2 नल लगे हुए, 2 पाइप लगे हुए।
एक पाइप इसे भरने में 8 घंटे का टाइम लेता है, जबकि दूसरा पाइप इसे खाली करने में 5 घंटे का टाइम लेता है। दो पाइप लगे हुए, दैट मीन्स एक भरने वाला नल है और एक खाली करने वाला नल है। इफ थ्री फोर्थ पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड, यदि टंकी का 3/4 भाग भरा हुआ है एंड बोथ द पाइप्स आर ओपनड साइमल्टेनियसली और दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है, इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी एम्प्टेड कंप्लीटली। अब यहां टंकी भरेगी नहीं, क्योंकि जो खाली करने वाला नल है उसकी एफिशिएंसी ज्यादा है। टाइम कम लेने का मतलब एफिशिएंसी ज्यादा होना और टाइम ज्यादा लेने का मतलब एफिशिएंसी कम होना। तो भरने वाला जो नल है वो 8 घंटे ले रहा है और खाली करने वाला नल 5 घंटे ले रहा है, मतलब यहां एफिशिएंसी किसकी ज्यादा है, खाली करने वाले नल की। अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो नल जो टंकी है वो खाली होगी, भरेगी नहीं। प्यारे बच्चों, भरने वाले नल को मैंने ए से रिप्रेजेंट किया और खाली करने वाले नल को बी से रिप्रेजेंट किया। भरने वाला नल 8 घंटे ले रहा है, खाली करने वाला नल 5 घंटे ले रहा है। कैपेसिटी मान लो एलसीएम लेके 40 मान लिया। भरने वाला नल बेटा 5 लीटर भरेगा, खाली करने वाला नल 8 लीटर खाली करेगा। अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो 3 लीटर पानी हर घंटे बाहर जाएगा। वेरी गुड दीक्षा। अगर दोनों एक साथ चलेंगे, वो 5 लीटर भरेगा, ये 8 लीटर खाली करेगा, तो जो रिजल्ट आएगा वो 3 लीटर पानी हर घंटे खाली हो जाएगा। ठीक है, कहा गया कि अगर टंकी 3/4 भाग तक भरी हुई है, बेटा इसका 3/4 30 लीटर होगा, एक घंटे में 3 लीटर पानी खलता है, तो 30 लीटर पानी खलने में कितने घंटे लगेंगे? 10 घंटे। कितने घंटे? 10 घंटे। ठीक है, इज दैट क्लियर प्यारे बच्चों? ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए। नेक्स्ट वन, हैव ए लुक। लीजिए क्या कहता है क्वेश्चन। देयर आर 3 पाइप्स ऑफ डायमीटर 1 सेंटीमीटर, 1 and 1/3 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर फिटेड इन ए सिस्टर्न। एक टंकी में, एक हौज में 3 पाइप लगे हुए हैं जिनका डायमीटर आपको दिया है 1 सेंटीमीटर, 1 and 1/3 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर। द रेशो ऑफ फ्लोइंग इन ऑफ वाटर थ्रू दीज पाइप्स इज इन प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स। इनके द्वारा बहने वाले पानी की दर व्यास के वर्ग के समानुपाती है। इफ द बिगेस्ट पाइप कैन फिल द टैंक अलोन इन 61 मिनट, जो सबसे बड़ा नल है टंकी को 61 मिनट में भरता है, अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? अगर तीनों नल एक साथ खोल दिए जाए तो टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? प्यारे बच्चों, यहां पे तो ये मेंशन कर दिया, रेट ऑफ फ्लोइंग इन वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ देयर डायमीटर्स। कई बार क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं करेगा कि पानी के जो बहने की दर है वो क्या है। अगर ना भी दी जाए तो ये सेल्फ अंडरस्टूड होना चाहिए, पानी के बहने की दर पाइप की त्रिज्या यानी रेडियस या फिर डायमीटर यानी व्यास के वर्ग के समानुपाती रहेगी हमेशा ही। अगर वो मेंशन ना भी करे तो भी कोई बात नहीं है। अब यहां डायमीटर्स की बात की जाए तो बच्चों डायमीटर एक बटे तीन को क्या लिख सकते हैं? 4/3, और ये कितना आ गया? 2। जब बात प्रपोर्शन की आ गई, दैट मीन्स रेशो का जिक्र आ रहा है, तो रेशो में तो आप भाई इन्हें फ्रैक्शन में तो लोगे नहीं, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो रेशो क्या हो गया? 3:4:6। ये तो हो गया भाई डायमीटर्स। अब बात करें इनसे बहने वाले पानी की, रेट ऑफ फ्लोइंग ऑफ वाटर, तो डायमीटर के स्क्वेयर में, दैट मीन्स यहां से इसका स्क्वेयर कर दो 9 लीटर पानी, ये 16 लीटर पानी और ये 36 लीटर पानी देगा। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो 36 और 6 42 10 52 और 9 61, तीनों कितने लीटर पानी भरेंगे? 61 लीटर पानी भरेंगे। अब यहां बात आई कि कितनी देर में तीनों भरेंगे, हमें कैपेसिटी पता होनी चाहिए। कैपेसिटी का जो मेजरमेंट है वो यहां से लगेगा। कह रहा है कि जो सबसे बड़ा पाइप है उसे टंकी को भरने में 61 मिनट लग रही है। भाई एक घंटे में, एक मिनट में, यहां पर मिनट की बात हो रही है, एक मिनट में अगर ये 36 लीटर पानी भर रहा है तो 61 मिनट में कितना पानी भरेगा? 36 गुना में 61, ये होगी टंकी की कैपेसिटी।
एक मिनट में 36 लीटर पानी है तो 61 मिनट में कितना भरेगा, 36 गुना 61, और अगर तीनों पाइप एक साथ खोल दिए जाए तो 61 लीटर पानी भरेंगे, दैट मींस अब टंकी को भरने में कितने मिनट लगेंगे, 36 मिनट्स। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। हरीश वेरी गुड, सही है हेमिंदर, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छे। चलिए बच्चों, आई थिंक सभी को क्लियर हो गया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ा जाए, नेक्स्ट वन, हैव ए लुक। ओके हेमिंदर, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है दो नल पी और क्यू एक टंकी को 24 घंटे और 32 घंटे में भरते हैं। एक टंकी को 24 घंटे और 32 घंटे में भरते हैं, यदि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो पहला नल P कब बंद कर दिया जाना चाहिए ताकि टंकी को भरने में, ये हॉट नहीं है, ये हौज है टंकी, तो टंकी 16 घंटे में भरी जानी चाहिए। पूछा गया कि अगर दोनों नल एक साथ तो खोले गए, लेकिन जो नल पी है, जो पाइप पी है, उसे कितनी देर बाद बंद करे ताकि टंकी को भरने में 16 घंटे लगे। काफी बेहतरीन क्वेश्चन है ये, मुश्किल नहीं है, आसान है अगर कंसेप्ट क्लियर है। बेटा देखो, पी और क्यू टाइम दिया है 24 और 32, एलसीएम ले लो 96, ये हो गई कैपेसिटी, 24 से डिवाइड किया 4, 32 से डिवाइड किया 3, ये क्या होगी इनकी एफिशिएंसी बोले तो कितने लीटर पानी, यहां टाइम घंटे में दिया तो हर घंटे में वो कितना पानी दे रही है। तो बच्चों P जो है 4 लीटर भर रहा है और Q 3 लीटर भर रहा है, अगर दोनों एक साथ चलेंगे तो 7 लीटर पानी भरेंगे। क्वेश्चन में कहा है कि पाइप P बंद किया जाना चाहिए और जो टंकी है वो 16 घंटे में भरनी चाहिए, इसका मतलब पाइप बी पी को बंद किया गया, लेकिन पाइप क्यू तो ऐसा है जो शुरू से लेकर आखिर तक चलाए, दैट मींस जो पाइप क्यू है वो पूरे 16 घंटे चलाए। तो बच्चों 16 घंटे, हर घंटे 3 लीटर पानी भरते हुए 16 घंटे में ही कितने लीटर पानी भर देगा, 48 लीटर, 48 लीटर पानी इसने भर दिया। क्यू ने अपना काम किया, बचा काम किसका, ये पी का बचा हुआ है, कितना 48 लीटर पानी। बच्चों क्यू ने शुरू से लेकर आखिर तक 16 घंटे चल के 48 लीटर पानी भरा है, 96 में से 48 क्यू भर रहा है, जो बचा हुआ पार्ट है वो पी का था। 4 लीटर पानी भरते हुए 48 लीटर पानी इसने कितने घंटे में भरा होगा, 12 घंटे में। जैसे इसने अपना काम किया, पूरा किया, पी को बंद कर दिया गया, दैट मीन्स पाइप पी को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था, पाइप पी को 12 घंटे के बाद बंद कर दिया गया था। हेमिंदर बिल्कुल सही आंसर है, बहुत बढ़िया बच्चे, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन बनाओ फिर, नेक्स्ट वन, हैव ए लुक। हां बिल्कुल सही है, बोला गया 3 पाइप ए बी और सी एक टंकी को 6 घंटे में भर सकती है, 3 पाइप्स ए बी एंड सी कैन फिल ए सिस्टर्न इन 6 आवर्स, 3 नल ए बी और सी किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकते हैं, तीनों को एक साथ खोला गया लेकिन 2 घंटे के बाद नल सी को बंद कर दिया गया, नल सी को 2 घंटे के बाद बंद कर दिया गया, और ए और बी मिलकर अगले 8 घंटे में नल को भर देते हैं, टंकी को भर देते हैं, ए और बी मिलकर दीक्षा क्वेश्चन को ठीक से पढ़ो। देखो लास्ट क्वेश्चन में क्या था, हम यहां अलग अलग काम निकाल लेते, पी अपना काम करेगा, क्यू अपना काम करेगा, कोई किसी का काम तो कर नहीं रहा है यहां पे। क्यू इकलौता बेचारा ऐसा है जो पूरे 16 घंटे चला है शुरू से लेकर आखिर तक, जब 16 घंटे ये चल रहा है तो इसका काम तो हमने सेपरेट ही कर दिया, अलग ही कर दिया, 48 लीटर पानी जो क्यू भर रहा है, बचा हुआ पानी पी भर रहा है, 4 लीटर पानी पर घंटे भरते हुए 12 घंटे में किया ना, हाँ 12 घंटे ये शुरू से और आखिर तक, दोनों 12 घंटे तो साथ में लगेंगे, लेकिन अगले 4 घंटे उसने ये नहीं कहा कि अगले 16 घंटे क्यों ने काम किया है, जब वो 16 घंटे काम कर रहा है तो 12 घंटे पी के साथ कर रहा है और 4 घंटे अकेला काम कर रहा है।
बात को समझो। हाँ, यहां अलग अलग काम बांट दिया है, क्यू अपना काम करेगा, पी अपना काम करेगा। 16 घंटे शुरू से लेकर आखिर तक चलाया तो क्यू 16 घंटे में 48 लीटर पानी भरेगा, इसे मतलब सिर्फ 48 लीटर से है, बचा हुआ पार्ट तो पी भरेगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे आओ बेटा। क्वेश्चन में कहा गया है तीन नल ए बी और सी लगे हुए हैं, तीनों अगर एक साथ काम करे तो 6 घंटे में भरते, तीनों को एक साथ खोला गया लेकिन 2 घंटे बाद नल सी को बंद कर दिया गया और अगले 8 घंटे में ए और बी टंकी को भर देते, हौज को भर देते हैं। अगर अकेला सी काम करे तो टंकी कितने समय में भर जाएगी, यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है। बच्चों देखो, इसे मैं पहले स्टेटमेंट को आपको समझाता हूं। ए प्लस बी प्लस सी, ये कर सकते हैं काम, ध्यान से समझना, कितने घंटे में, 6 घंटे में, लेकिन इन तीनों ने मिलकर काम किया, कितने घंटे काम किया है, 2 घंटे काम किया है, तो इनका कितने घंटे का काम बच गया है, 4 घंटे का काम बच गया। जब तीनों ने मिलकर 2-2 घंटे काम किया तो तीनों का ही काम 4 घंटे का बचा। इस बचे हुए काम को ए प्लस बी ने 8 घंटे में किया है, बचे हुए काम को ए प्लस बी ने 8 घंटे में किया है। अब ध्यान से समझना, ये अभी स्टेटमेंट लिखी है, इसमें कोई सॉल्यूशन का कोई बिल्कुल पार्ट नहीं है, ठीक है। बच्चों एक बात बताओ, 4 घंटे का जो काम बचा हुआ है वो ए का भी बचा हुआ, बी का भी बचा हुआ और सी का भी बचा हुआ है। इसका मतलब जो ये 8 घंटे काम कर रहे हैं, इस 8 घंटे में ए और बी 4 घंटे तो अपना ही काम करेंगे, ए और बी 8 घंटे काम करना पड़ रहा है जबकि उनका काम तो सिर्फ 4 घंटे का बचा हुआ था, तो इन्हें कितना एक्स्ट्रा घंटे काम करना पड़ रहा है, 4 घंटे काम करना पड़ रहा है बच्चों। तो ए और बी ने जो 4 घंटे काम एक्स्ट्रा किया है, ये काम किसका था, सी का था। सी का कितने घंटे का था, 4 घंटे का था। तो बच्चों इनकी जो एफिशिएंसी का रेशो है वो 1:1 है, यानी कि ए और बी मिलकर जितना काम करते हैं, जितना पानी भरते हैं, सी अकेला भी उतना ही पानी भरता है। अगर तीनों नल एक साथ मिल जाए तो कितने लीटर पानी भरेंगे, 2 लीटर। हमारे पास एफिशिएंसी आ गई, आपसे टाइम पूछा तो कैपेसिटी पता होनी चाहिए। तीनों नल मिलकर 2 लीटर पानी भरेंगे तो 6 घंटे में तीनों नल मिलकर कितने लीटर पानी भर देते, 12 लीटर पानी भर देते। अकेला सी 1 लीटर पानी भरते हुए 12 लीटर की टंकी को कितने घंटे में भरेगा, 12 घंटे में भरेगा। कितने घंटे में, 12 घंटे में। और अगर यहां ये क्वेश्चन कर दिया जाता कि ए और बी मिलकर कितने घंटे में भरेंगे, तो ए और बी मिलकर भी 12 घंटे ही लेंगे। ओके, कोई डाउट इसमें, क्लियर है ना। चलिए बच्चों अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट वन। लीजिए, हैव ए लुक। बोला गया देयर इज ए लीकेज इन द बॉटम ऑफ ए टैंक, एक टंकी के तल में एक लीकेज है जिसकी वजह से भरी हुई टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। इस लीकेज की वजह से भरी हुई टंकी 8 घंटे में खाली हो जाती है। बोला गया एक पाइप को टंकी के अंदर खोला गया जिसकी वजह से हर मिनट 6 लीटर पानी टंकी में आ रहा है, जिसकी वजह से हर मिनट 6 लीटर पानी टंकी में आ रहा है, इसके बावजूद भी टंकी 12 घंटे में खाली हो रही है। तो पूछा गया टंकी की कैपेसिटी कितनी है। अभी तक के जो क्वेश्चंस आपने किए वहां पर टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन था, बट इस क्वेश्चन में आपसे कैपेसिटी पूछी है टंकी की। हाँ अमित जी, कोई नहीं बेटा, तो इस क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे, कैपेसिटी पूछी है टंकी की। तो कैसे किया जाए इसे, अब यहां पे अभी तक तो आपने ऐसा कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जहां पे कैपेसिटी पूछी गई है। तो देखो आपका मेथड अभी भी चेंज नहीं होगा। मैंने कहा लीकेज ए नेगेटिव काम कर रही है, ये टंकी को 8 घंटे में खाली करती है। जो भरने वाला नल है उसे मैंने नाम दे दिया बी। जब ये दोनों एक साथ काम कर रहे तो अभी भी टंकी खाली हो रही है, कितनी देर में, 12 घंटे में, 12 घंटे में खाली हो रही। बेटा एलसीएम ले लो, इनका एलसीएम कितना है, 24। 8 से डिवाइड किया 3 लीटर पानी बाहर जा रहा है, 12 से डिवाइड किया 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है। इसका मतलब जब लीकेज अकेली काम कर रही है तो 3 लीटर पानी बाहर जा रहा है,
लेकिन जब नल भी साथ काम कर रहा है तो 2 लीटर पानी बाहर जा रहा है, तो यहां बचत हो रही है कितनी की, 1 लीटर पानी की। वो किसकी वजह से हो रही है, बी की वजह से हो रही है, यानी कि बी हर मिनट 1 लीटर पानी अंदर दे रहा है या हर घंटे, क्योंकि जो आपको टाइम दिया है वो तो घंटे में दिया है, तो जो एफिशिएंसी है वो भी घंटे में आएगी। दैट मीन्स बी हर घंटे 1 लीटर पानी डाल रहा है, तो टंकी 24 लीटर की अगर टंकी है तो उसे भरने में उसे कितना टाइम लगेगा, 24 घंटे लगेंगे। अगर यहां टाइम से रिलेटेड क्वेश्चन आता तो क्वेश्चन खत्म हो चुका है, बट इस केस में तो टाइम तो पूछा ही नहीं है रुपेश, इस केस में आपसे टाइम नहीं पूछा, इस केस में तो आपसे कैपेसिटी पूछी है। तो मेरे बच्चों, जब इसे भरने में 24 घंटे लग रहे हैं, तो इस 24 घंटे को अगर हम मिनट में बदले तो 24 × 60 हो गया, और कहा गया है कि जो पाइप है हर मिनट 6 लीटर पानी टंकी में डाल रहा है, तो बेटा जब 1 मिनट में 6 लीटर पानी डाल रहा है तो इतने मिनट में कितना पानी डालेगा, 24 × 60 × 6 मल्टीप्लाई कर दो। अब आप इसे पूरा मल्टीप्लाई करने के बजाय यूनिट डिजिट पे जाए, लेकिन यूनिट डिजिट तो सब में जीरो, क्योंकि ये जीरो, अगर मैं जीरो इसे बाद में रख दूं, 6 × 36 6 × 24 यानी कि जो टेंस डिजिट होगा वो 4 होगा, और 4 सिर्फ एक ही ऑप्शन में है, सी ऑप्शन में। इसका मतलब आपको पूरी कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है रुपेश? ओके, कोई डाउट इसमें? चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट वन, हैव ए लुक। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अमित, किसी हौज को 2 नल अलग अलग क्रमशः 20 घंटे और 30 घंटे में भर सकते हैं। टाइम दे दिया भाई, एक पाइप 20 घंटे और दूसरा पाइप 30 घंटे में भर सकता है। दोनों नल एक साथ खोल दिए गए, दोनों पाइप एक साथ खोल दिए गए, बट व्हेन द 2/3 पार्ट ऑफ द टैंक इज फिल्ड, जब टंकी का 2/3 भाग भर गया, ए लीकेज अपीयर्स इन द बॉटम ऑफ द टैंक, तो टंकी के तल में एक लीकेज हो गई, एक टंकी के तल में एक लीकेज हो गई, जिसकी वजह से पर आर फिल्ड वाटर का 2/3 पार्ट बाहर चला गया, पर आर फिल्ड वाटर का 2/3 पार्ट बाहर चला गया। अब इस लीकेज के साथ टंकी को भरने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। देखो बेटा, 2 नल दिए हैं ए और बी, 2 पाइप है ए और बी, अगर वो अकेले अकेले भरे तो 20 घंटे और 30 घंटे लगते हैं। दोनों को एक साथ खोला गया, खोला जाता है, दोनों एक साथ भरे, लेकिन पूरी भरने से पहले जब 2/3 भाग भरा गया, उसी टाइम पे एक लीकेज हो गई। लीकेज की वजह से पर आर भरे हुए पानी का 2/3 भाग पानी बाहर चला गया, पर आर भरे हुए पानी का 2/3 भाग बाहर चला गया, तो अब लीकेज के साथ इसे भरने में कितना टाइम लगेगा, यह क्वेश्चन पूछा गया है। ट्राई करो जरा इसे। सिंपल सा कंसेप्ट है बच्चों, देखो बहुत एक बहुत बेहतरीन मेथड, यूनिक मेथड मैं आपको बताने जा रहा हूं। पाइप ए और बी, इसे 20 घंटे और 30 घंटे में भरते हैं, तो कैपेसिटी एलसीएम ले लो 60 लीटर, ये कितने लीटर भरेगा, 3 लीटर, ये कितने लीटर, 2 लीटर, दोनों मिलकर कितने लीटर भरेंगे, 5 लीटर भरेंगे। अब अगर ये दोनों एक साथ काम करे तो 60 लीटर को भरने में वैसे तो 12 घंटे लगने थे, 60 लीटर भरने में वैसे तो 12 घंटे लगने थे, बट यहां पर 12 से तो ज्यादा लगेंगे क्योंकि लीकेज हो गई। अब लीकेज की वजह से जो पानी की वेस्टेज हुई है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, जो लास्ट क्वेश्चन था, कि जब सी को बंद कर दिया गया था तो ए और बी को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा था, क्योंकि उन्होंने किसका काम पूरा किया था, जो काम सी ने छोड़ दिया था। अब यहां अगर लीकेज नहीं होती तो 12 घंटे लगते, बट लीकेज की वजह से जो पानी बाहर गया उसकी पूर्ति भी तो ए और बी को करनी होगी, और पानी कितना बाहर गया है, 2/3 पानी बाहर चला गया। तो बच्चों, कैपेसिटी अगर 60 है तो इसका 2/3, 60 का 2/3 40 लीटर पानी होगा, तो इस 40 लीटर की भी तो पूर्ति की जाएगी, यानी कि अब ए और बी को 60 की बजाय 100 लीटर पानी भरना होगा, और पर घंटे 5 लीटर पानी भरते हुए, पर घंटे 5 लीटर पानी भरते हुए इसे कितने घंटे में भर देंगे, अब ये 20 घंटे में, यानी जो पहले 12 घंटे में भरा जाना था जो टंकी, अब कितने घंटे में भरेगी, 20 घंटे में। क्लियर है? यस और नो?
समझ आ गया ना। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ बच्चों, नेक्स्ट वन। हैव ए लुक, हाँ हेमिंदर, वेरी गुड। अमित, वेरी गुड। लास्ट क्वेश्चन का आंसर डी, बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा कि एक टैंक में दो नल लगे हुए, दे आर टू पाइप्स फिटेड इन ए टैंक, एक टंकी को 6 घंटे में भर सकता है जबकि दूसरा टंकी को 15 घंटे में खाली कर सकता है। एक भरने वाला नल है जो कि 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा खाली करने वाला नल है जो कि 15 घंटे में खाली कर सकता है। इन दोनों नलों को अल्टरनेटिवली एक एक करके एक एक घंटे के लिए खोला गया, पहले नल को 1 घंटे के लिए खोला गया, फिर दूसरे नल को 1 घंटे के लिए खोला गया। पूछा गया इस तरह से टंकी पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगी, इस तरह से टंकी पूरी तरह से कितने समय में भर जाएगी। बच्चों पाइप ए भरने वाला नल है, इसे 6 घंटे में भरेगा। नल बी खाली करने वाला नेगेटिव है, इसे 15 घंटे में खाली करेगा। कैपेसिटी बेटा एलसीएम ले लो 30, 6 से डिवाइड किया 5, 15 से डिवाइड किया 2। बेटा पहले घंटे ए पाइप खोलेंगे, दूसरे घंटे बी। अब कुछ बच्चों का ये भी क्वेश्चन सिली क्वेश्चन ये रहता है कि सर पहले ए को खोला जाएगा बी को खोला जाएगा। मेरे भाई एक बात समझो, अगर टंकी खाली है, अगर उसमें खाली करने वाले नल को खोल दिया जाए, क्या उस बात का कोई मतलब रहेगा? तो ये सेल्फ अंडरस्टूड है कि हमेशा भरने वाले नल को प्रीफरेंस दी जाएगी, पहले भरने वाले नल को खोला जाएगा। तो बेटा पहले घंटे का काम 5 लीटर, दूसरे घंटे का काम -2 लीटर, दोनों 2 घंटे का काम यहाँ पे 3 लीटर रह गया। 2 घंटे का काम यहाँ पे कितने लीटर रह गया? 3 लीटर रह गया। अब किस तरह से काम करेंगे बेटा? हर घंटे, हर 2 घंटे में ये 3 लीटर पानी भर रहे हैं। कितने लीटर पानी भरना है यहाँ पे? 30 लीटर पानी भरना है। तो बेटा 30, इसे 30 बनाने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करें? 10 से। तो यहां भी कितने से कर दे? 10 से। इस तरह क्वेश्चन हो जाएगा। यहां पे जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो यही होती है बच्चों से कि इसे 30 बनाने के लिए जो यहां मल्टीप्लाई किया टाइम एंड वर्क की तरह उतना ही नंबर यहां मल्टीप्लाई कर देंगे। बट नहीं बच्चों, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है? टंकी को पूरा ना भरते हुए लास्ट स्टेप भरने वाले नल को देना है। इसका मतलब आप इसे 5 लीटर पहले रोक दो ताकि लास्ट स्टेप में ये 5 लीटर भर के खाली करने का मौका ही ना मिले। ऐसा करना है, ठीक है? तो यहां 5 लीटर अगर मैं घटा दूं तो 25 लीटर आएगा। लेकिन 3 में कोई ऐसा नंबर नहीं है कि मैं 25 बना सकूं। या मैं 3 को 24 बना सकता हूं या 27 बना सकता हूं। अगर आप इसे 24 बनाते हैं तो ये 5 लीटर भर के 29 लीटर तक जाता है। इसका मतलब खाली करने वाले नल को दोबारा से मौका मिलेगा। बट हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि भरने वाले नल को ही लास्ट मौका मिले, खाली करने वाले को मौका ना मिले। इसलिए इसे 24 ना बनाते हुए इसे हम 27 बनाएंगे। तो जो नंबर यहां मल्टीप्लाई कर रहे हो वही नंबर यहां मल्टीप्लाई कर दो। दैट मीन 27 लीटर भरने में इसे 18 घंटे लगे। 27 लीटर भरने में इसे 18 घंटे लगे। अब बचा कितना? 3 लीटर पानी। अगर 5 लीटर बचता तो 1 घंटा लेता, लेकिन 5 तो बचा नहीं है। इसका मतलब 1 घंटे से कम लेगा। दैट मींस वो 18 से ज्यादा होगा और 19 से कम होगा। तो एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है यहां पे। 18 से ज्यादा और 19 से कम, 19 से कम होना चाहिए। ऑप्शन बी ही वो सही आंसर है। फिर भी अगर आपको एग्जैक्ट कैलकुलेशन करनी है, बेटा 5 लीटर भरता है 1 घंटे में, तो 1 लीटर 1/5, 2 लीटर 2/5, तो 3 लीटर भरने में ये 3/5 टाइम लेगा। तो घंटे का 5 हिस्से कर दो, 12 मिनट का एक पीरियड आ गया। 3 करेंगे तो 12 3 36, दैट मींस 36 मिनट आना चाहिए यहां पे। 18 घंटे 36 मिनट है। यहां पे ये टाइपिंग एरर है, 12 घंटे और 36 मिनट आएगा। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हमेशा याद रखना, इस तरह जब बात अल्टरनेटिव पाइप्स की हो और एक भरने वाला और दूसरा खाली करने वाला हो, तो हमेशा भरने वाले को लास्ट अटेम्प्ट देना है ताकि खाली करने वाले को मौका ना मिले। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन बनाइए फिर, नेक्स्ट वन। हैव ए लुक, ये क्वेश्चन तो बिल्कुल आप पे सूट करता है आज के टाइम में, इन दिनों में जैसे आप हरकतें करते हो ना, बिल्कुल वैसे ही है। बोला गया एक ठंडे पानी का नल और एक गर्म पानी का नल एक बाथ टब को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं।
एक बाथ टब को क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरते हैं। एक व्यक्ति दोनों नलों को खोलकर चला जाता है और तब वापस लौटता है जब टब को भर जाना चाहिए था। दोनों नल खोल दिए और तब कोई नहीं अमित, हाँ हाँ बिल्कुल ये अवेलेबल रहेगा, आप इसे बाद में देख सकते हो, डोंट वरी। कहा गया कि एक ठंडे पानी का नल 20 मिनट में भरता है और एक गर्म पानी का नल 30 मिनट में भरता है। एक आदमी तुम्हारी तरह का शाणा आदमी इस नल दोनों नलों को खोलकर चला गया और तब वापस लौटता जब टब को भर जाना चाहिए था। वापस आने पर वह देखता है कि खाली करने वाला नल भी, टब को खाली करने वाला नल भी खुला रह गया, तो टब भरा तो है नहीं। फिर वो इसे बंद कर देता खाली करने वाले नल को और अगले 4 मिनट में टब पूरी तरह से भर जाता है। पूछा गया, अगर टब पूरी तरह से भरा हुआ होता तो खाली करने वाला नल इसे कितनी देर में खाली कर देता। प्यारे बच्चों, अब तक के जितने भी क्वेश्चन मैंने डिस्कस किए सारे के सारे बेहतरीन थे, अच्छे से आपको समझाए, कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन आपके लिए सेल्फ एस्टिमेशन के लिए है, ऑप्शन नहीं दिए हैं, आपको अपना आंसर कमेंट करना है, ठीक है। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो गए होंगे, हर एक पॉइंट आपको क्रिस्टल क्लियर रहा होगा। तो आज की मुलाकात में इतना ही, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना है। लेक्चर अच्छा लगा लाइक करना है, शेयर करना है, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज की क्लास में प्यारे बच्चों इतना ही, थैंक यू सो मच। बेटा जब मैं काम किया करूं तो ऐसे बताया करूं, आपको समझाया हुआ है ना, फिर नहीं आना चाहिए था ना। नहीं मैं डिस्टर्ब हो जाता हूँ, गेट खोल रहे आप, उस पे खिड़की पे भी ये चला रहे थे अपना, है ना, कौन चला रहा था, दोनों दोनों में पिटाई होनी चाहिए फिर तो। हाँ बोलो, नहीं तो खरगोश को आप दीवार पे चलाओगे और शीशे पे चलाओगे और पापा को डिस्टर्ब करोगे, ऐसे नहीं करना चाहिए था ना। लिख लो अगर आप लोगों को लिखना है तो। ओके ओके, पहले थोड़ी एनर्जी तो ले ले।